हेलो, मैं ओमकार। आज का ब्लॉग टिल एंड तक देख लेना। आज आप बोलोगे ऐसे फ्रेम कैसे हो चुके यार, मैं मुंह क्यों दिखा रहा हूँ, हमेशा जो गाड़ियाँ दिखाता रहता हूँ। लेकिन आज ब्लॉग है अपने जो है वो ये देख लो, इंटीरियर देख रहे हो डिजायर का, जो कि मुझे जो है मेरे ख्याल से अभी दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो, ये अभी है, अभी मैंने ट्रिप लगाई थी तो मैंने लमसम जो है वो 37,000 किलोमीटर 36,000 सिल जो है वो मैंने चला रखी है गाड़ी। तो 36,000 में बीच में मुझे मैंने जो है वो सर्विस की देखा नहीं थी, इसके ब्रेक शू जो है वो सब कुछ जो है आप देख सकते हो, सब कुछ जो है वो सर्विस करानी है, उसकी भी मैंने सर्विस बीच में कराई नहीं थी, उस बीच में 10,000 में करानी चाहिए। तो आज जो है मारुति सुजुकी, एक तो ये मारुति सुजुकी डिजायर 2019 है, ये इसका इस तरह से कुछ इसका इंटीरियर आता है। तो ये आज एक आपको एक पूरा एक वीडियो टिल एंड तक देखना। ये चैनल पे नहीं तो ओ मैं 007 चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो होंगे, बहुत सारे व्हीकल इन्फॉर्मेशन, ट्रिप प्लान, ट्रैवल प्लान सब कुछ आपको दिखाऊंगा, सब कुछ जो नए गाड़ी है, स्विफ्ट है, ब्रांड न्यू स्विफ्ट हो, कोई सी भी गाड़ी हो, उसकी जो है वो अपडेट्स आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। और ब्रांड न्यू स्विफ्ट का मैंने हाल ही में अभी जो है वो शूट किया हुआ है, जाके अभी 2 दिन में आएगा वो अपने चैनल में वीडियो, वो जाके आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उससे। और अपनी तो खैर जानते हो, इससे ही शुरुआत हुई थी। तो आज मैं आ चुका हूँ भाई यस एरिना के शोरूम में, यहाँ पे जो है वो कोल्हापुर में अपना शोरूम पड़ता है। तो फटाफट से जो है वो इसकी जो है वो सर्विस कराते हैं, माइनर सी सर्विस है, ब्रेक शू जैसे कि यहाँ पे ये जो है वो ब्रेक लीवर है, अंदर जो है ब्रेक शूज होते हैं, कैलिपर होते हैं, जहाँ तक कि इस तरह से अगर तो इस तरह से अपनी जो है पार्किंग में दिख रही तो बहुत चक्का चौने, लेकिन आप कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर पाता, देखो गंदी बहुत हो रखी है। और दूसरा तो है मुझे इंश्योरेंस क्लेम करना है, मैं जब गाड़ी चलाता हूँ खुद तो कुछ होता नहीं, दूसरा कोई गाड़ी चलाता है ठोक देता है भाई। ये देखो पूरा जो है वो पिलर जा चुका है, अंदर धड़ जो है वो उधड़ गया है, अंदर पूरा जो है वो जा चुका है, देख रहे हो पूरा पिलर अंदर गया हुआ है, ये पूरा ठीक कराना है, इंश्योरेंस जो है वो क्लेम करना है। फिलहाल तो अपनी गाड़ी है तो कराना ही करानी ही होगी यार, क्योंकि अगर आधी अधूरी रह जाएगी ना तो ये सब इनकम्प्लीट हो जाएगा, और उसके बाद ना सेलिंग करने जाते हो व्हीकल तो इसकी वजह से भाई साहब रीसेल में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलो भाई फटाफट से टाइम ना वेस्ट करते हैं, आपको एक सर्विस एक्सपीरियंस करा देता हूँ। और ये जो है अपनी जो है डिजायर रोड साइड में इतनी ज़्यादा प्यारी दिखती है, तो चलो बिना देरी करें अब हम डायरेक्टली जो है वो एरिना के शोरूम में मिलते हैं। और आपको दो चीज़ें होगी, एक तो एरिना के शोरूम में ना आपको एक एक्सपीरियंस भी होगा कि कैसे जो है वो आज के रेट में 2019 में मैंने गाड़ी ली थी तब कितने में टोटल जो है वो इसका जो है वो टोटल सर्विस होता था, उतना कॉस्ट एग्जैक्टली लगती थी। और आज के रेट में अगर कराने जाओ, माइनर से सर्विस बोल रहा हूँ, जैसे कि इसके जो है वो शूज़ कैलिपर है, मतलब ब्रेक शू है, ब्रेक पैड्स है, कैलिपर्स है, उसके बाद अगर बात करते लाइनर्स है, इसके अलाइनमेंट्स है, वो उसकी टोटल जो है वो थर्ड पार्टी अगर आप करते हो एरिना से करते हो तो कितने में टोटल खर्चा बैठ सकता है, ये सब कुछ जो है वो मेरे चैनल में आपको अपडेट मिलेगी। तो टाइम वेस्ट ना करते, फटाफट से यहाँ से गाड़ी भगा लेते हैं, सबसे पहले गाड़ी में अंदर बैठते हैं, क्योंकि बाहर ये तो थोड़ा क्राउडेड एरिया नहीं, वो यहाँ से सीधा नीचे आते हो तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिलता है, तो मुझे किसी भी हालत में वहाँ तक पहुँचना होगा 4 बजे से पहले। अभी तो फिलहाल बज चुके हैं भाई साहब, ये देख लो 4, तो 4 मतलब लमसम बजने वाले, 4:45 बज चुके हैं, 4 बजने वाले, तो 5-6 बजे बंद हो जाता है। और जिससे जल्दी पहुंच सके, जितने जल्दी पहुंच सके उतने जल्दी हमें वहाँ पे पहुंचना है। फिलहाल तो हम जहाँ पे रहते हैं आपको पता है टाइम वेस्ट हो गया, 3-3.5 घंटे लगते हैं यहाँ पे सिटी में प्रॉपर आने के लिए, वहाँ पे एरिना का बहुत बड़ा शोरूम है। तो चलो भाई साहब गाड़ी तो फिलहाल स्टार्ट है, तो चलो लेट्स गो, मैं आपको एक एक्सपीरियंस भी कराऊंगा कि कैसा है। और दूसरी बात है कि आपको भी अंदाजा आ जाएगा कि अगर मारुति सुजुकी की गाड़ी रखते हो आज के रेट में 10-12 लाख के अंडर, या फिर कोई सी भी अगर ग्रैंड विटारा हो, सर्विस तो माइनर कोई कराते हो तो एक ही होगी ना, मतलब ज़्यादा 10,000 या 8,000 के पहले, मतलब माइनर से सर्विस कराते हो तो 8,000 तक ही होगी आपकी, ज़्यादा मेरे ख्याल से पैसे इतने नहीं लगेंगे जितने आपको लगने चाहिए। तो एग्जैक्टली कितने पैसे लगते हैं, क्या कैसे रिस्पॉन्स है, जो भी मेरी क्वेरीज है वो सॉल्व करते हैं नहीं एरिना वाले कि नेक्सा वाले बेस्ट है कि एरिना वाले, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो चलो भाई यहाँ से भाग लेते हैं, फटाफट से भाग लेते हैं, चलो लेट्स गो भाई साहब। और मैं इतनी हालत बेकार है ना रोड्स की, ये देखो ट्रैफिक तो बीच बीच में जाम होता है, गाड़ी तो 15-20 मिनट में मुझे तो नहीं लगता है, एक मैप में देखा था मैंने एग्जैक्टली टाइम कितना लगेगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे गड्ढे है ना, ये देख लो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये जो गड्ढे है ना, ये क्रॉस करने के लिए भाई गाड़ी क्रॉल करने के लिए नहीं बनी। दूसरी चीज़ है कि ये गड्ढे है ना वाट लगा देंगे गाड़ी की, मतलब जितनी धुलवाई थी मैंने खुद धोई थी गाड़ी, वाट लगेगी पूरी, सफ़ेद है वो, काली चिट्टी बन जाएगी गाड़ी इस गड्ढों में। तो चलो भाई चलना तो होगा, ये देखो कितना बड़ा गड्ढा है यार, माइनर गड्ढा नहीं है, मेजरमेंट करते हो ना
बहुत बड़ा, मतलब गाड़ी आपकी अंदर धस जाएगी, निकल नहीं पाएगी, इतना ज्यादा डेंजरस पैचेस है यहाँ पे, बहुत ज्यादा बहरे गड्ढे। चलो भाई क्या ही करे, चलो लेक्स को चलते हैं। यहाँ के सिग्नल इतने लंबे है ना, तो बहुत रुकना पड़ता है यार। अभी देख लो आगे मेरी नेक्सॉन है, वो आगे निकले, मेरे को राइट मुड़ना है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जगह भी नहीं है। देखो पिलर देख रहे हो, इसके बीच में जगह ही नहीं है, अगर जगह होती तो राइट तो जा रहे हैं ना, राइट जाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सिग्नल है यार, क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ा लंबा है यार सिग्नल, ये 15-20-40 सेकंड का तो सिग्नल होके गया, अभी क्या करो, तो जाना तो है। अभी चलो एक्सपीरियंस ही करा दे, डायरेक्टली हम जो है वो आपको शोरूम मिलते हैं। सो लेट्स गो, यहाँ से पहले सीधा जाते हैं सीधा शोरूम एरिना में। भाई ऐसे करके यहाँ पे ना जीप का कंपास का शोरूम पड़ता है, जीप कंपास की भी जरा इंक्वायरी करेंगे। तो उसके बगल में ही यहाँ पे देखते हो ना, तो अपना जो मारुति सुजुकी का लोगो देख रहे हो फिलहाल, तो ये देख रहे हो एस, वहाँ पे पड़ता है। चलो सीधा जाते हैं शोरूम में, चेक इन करते हैं, उसके बाद जो है वो एग्जैक्टली कितना होगा, क्या होगा, सर्विस कॉस्ट कितनी होगी, एग्जैक्टली जो है वो एस्टिमेट मिलता है वो कितना एग्जैक्टली कॉस्ट पड़ती है हमें व्हीकल माइनर सी इंस्पेक्शन करने में, वो एग्जैक्टली हम जाके फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स गो, यहाँ पे चेक इन है, तो यहाँ पे गेट पास वगैरह सब कुछ जो है बाद में देना पड़ता है, पहले तो गाड़ी इंस्पेक्शन हो जाएगी। ये मेरे ख्याल से लगता है यहाँ पे नो पार्किंग, जहाँ पे जगह है ना वहाँ पे ये जो है वो सर्विस किया। तो चलो अंदर फिलहाल चलते हैं, यहाँ देखो सिक्योरिटी गार्ड है, पर गाड़ी के देखो लंबी ऐसे क्यू इतना लगा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, इतनी ज़्यादा। यहाँ पे आगे देख लो वैगनर लगी है, और यहाँ पे गाड़ियों की इतनी भीड़ रहती है ना यहाँ पे, क्या ही बताए। देखो ये सिक्योरिटी अंकल यहाँ पे खड़े हैं मिरर में हाथ लगा के, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गाड़ियों की ना भीड़ रहती है, तो एक तो गाड़ी में रुकना पड़ता है, आगे की गाड़ियाँ जब तक जाती नहीं तब पार्क नहीं कर सकते। तो जल्द लेट्स गो, अपनी गाड़ी जो पहले पार्क करते हैं, तो उसके बाद जो टोटल खर्चा पानी कितना होगा, हो गया, सर्विस कॉस्ट कितनी होगी, टोटल इंस्पेक्शन कितना हो गया। माइनर सी सर्विस है, ब्रेक शू कैलिपर वगैरह है, मैंने बोला स्टेयरिंग व्हील रिस्पॉन्स अलाइनमेंट बैलेंसिंग सब कुछ है। तो चलो अभी नगर करके पहले गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। इंस्पेक्शन करना तो अपना जो है वो व्हीकल जो है ये भाई साहब अपनी लगा रहे हैं, उनके जो है वैले सर्विस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। तो पहले पार्क कर रहे हैं एग्जैक्टली गाड़ी, क्योंकि भीड़ देखो यार ये मारुति सुजुकी में इतनी ज़्यादा है ना, ये अरीना देख लो यहाँ पे लोगों इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, तो क्या ही बताया यार। तो सब कुछ जो है वो परफेक्ट करना पड़ता है, हमें तो टाइम लग जाए एग्जैक्टली, उनको पता होती है ना कौन सी जगह है क्या है। तो चलो भाई यहाँ पे पहले पार्क करते हैं अपनी गाड़ी, वो पार्क कर रहा है बंदा, और यहाँ पे यहाँ से सीधा यहाँ पे चेक इन की तरफ जाते हैं। अंदर वेटिंग रूम में रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि माइनर सर्विस तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो कम होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। मैक्सिमम मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स अगर सर्विस हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। अपनी फ़िलहाल जो है वो गाड़ी जा रही है वॉशिंग पे, ये देख लो। चलो भाई चलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं सीधा लाउंज एरिया में। अपनी गाड़ी जो है वो चेकिंग के लिए जा रही है, सर्विस टोटल प्रॉपर इंस्पेक्शन करने के लिए, जो एग्जैक्टली क्या है वो क्वेरी हमें जो है वो समझ में आएगी। तो एग्जैक्टली ये जो है वो पार्किंग लॉट के लिए लगा रहे हैं यहाँ पे, ये सारी गाड़ियाँ वॉशिंग के लिए जाती है या एरिना में, ये आप देख रहे हो ना सारी की सारी गाड़ियाँ एरिना में वॉशिंग के लिए जाते हैं। तो यही हमारी है लास्ट में, मुझे लगता है एक घंटा तो लग जाएगा लमसम मैक्स टू मैक्स। ओ भाई साहब कितना घंटा लग जाएगा, एक घंटा तो लग जाएगा ना मैक्स टू मैक्स। इतना वॉशिंग के लिए कितनी गाड़ियाँ है, मतलब कितनी गाड़ियाँ वॉशिंग के लिए, बहुत है अंदर भी बहुत सारी है। चलो पहले गाड़ी आपको तो वॉशिंग लगाया, अभी पहले तो मेरे को वॉशिंग करके दो, वॉशिंग हो जाएगा ऊपर आएगा, पहले तो मेरे को वॉशिंग करके दो, उसके बाद वो दूसरा जो है इंश्योरेंस का वो बाद में देख लेंगे। ये जो है वो अभी बताता हूँ, इधर आओ, ये जो है ना ये पार्ट एक्सीडेंटल है, देख लो ये देख रहे हो ना ये अंदर गया हुआ है, ये इंश्योरेंस से क्लेम करना है, प्राइवेट इंश्योरेंस है, वो बाद में देख लेंगे, गाड़ी में लेके जाता हूँ, क्योंकि अभी तो टाइम लगेगा ना उस चीज़ को लेके, समझ में आया ना। हाँ तो ये सब अंदर बैठो ठीक है, बिल करके, और बाकी का बिल वगैरह जो कुछ भी होगा वो इन्फॉर्मेशन तो मैं मुझे मिल जाएगी कितना एग्जैक्टली होगा, और माइनस और टेस्टिंग भी होगी ना परफेक्ट। तो चलो भाई मिलते हैं बाद में, यहाँ पे पहले पार्क होगी गाड़ी और बाकी वॉशिंग के लिए धुलवानी पड़ेगी, यहाँ पे धुलवाने के लिए यहाँ पे क्यू लगा हुआ है, तो यहाँ पे जाएगी गाड़ी। भाई जो है वो वेटिंग रूम में आ गया, वो इस तरह से जो है वेटिंग रूम जो है नेक्सा वालों की, यार अभी तो रात हो चुकी है भाई, कितने बज चुके हैं, 6-7 बज चुके हैं ऑलमोस्ट यार, मतलब वेटिंग बहुत करवाते हैं यार ये एरिना वाले, नेक्सा वाले तो मुझे लगता है देखना और वो चेक करना होगा कितनी वेटिंग वगैरह करवाते हैं। वेटिंग रूम कुछ इस तरह से, फिलहाल मैं बैठ चुका हूँ, एक मेरे ख्याल से मैक्सो एक मेरी बाकी के काम थे वो मैं कंप्लीट किए, मैंने पूरा पेपर वगैरह वगैरह सब कुछ कंप्लीट किया, मेरा अदर काम भी वर्क था वो भी कंप्लीट हुआ, वो करके मेरे को 2 घंटे लगे, मतलब 1 घंटे में बोल रहे थे 2 घंटे स्टिल वेटिंग करना पड़ा, मतलब काम अगर बोला जाए तो पैसे भी मेरे अभी बता दो आपको एस्टिमेट कितना बना है, बिल कितना बना है, एक माइनर सी सर्विस करते हो, मैंने ये ब्लॉग भी डाला कि एक माइनर सर्विस आपकी जो है वो व्हीकल की करते हो तो कितना टोटल खर्चा चढ़ता है आपका, कितना बिल बनता है माइनर सर्विस, मतलब शू ब्रेक शू कैलिपर अलाइनमेंट बैलेंसिंग वगैरह।
भाई हाथ से हाथ तक ऊपर खींच रखे, ये पूरा जो है ना ये अलाइनमेंट बैलेंसिंग के लिए करना पड़ता है। देखो इस क्रेन की कैपेसिटी देख लो यार, कितनी गाड़ी पूरी जो है वो ऊपर खींचता होगा यार, सबसे ज़्यादा कमाल लगता है। चलो भाई ये फाइनल है, अब जो इसके बाद व्हील बनेगा। फाइनली ऐसे तैसे करके अपनी जो है वो गाड़ी निकल चुकी है टेस्ट ड्राइव के लिए, तो कैसा एक्सपीरियंस है वो सब कुछ जान लेते हैं। गड्ढों में मत डालना भाई, क्योंकि गड्ढे इंपॉर्टेंट है, अगर दब लग गए तो पूरा का पूरा जो है वो सत्यानाश हो जाएगा। क्लीन जो की है हुई है गाड़ी, है कि नहीं, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। पहले से स्मूथ हो गया यार गाड़ी, डिजायर अगर बात करते हो तो पीछे वगैरह सब कुछ वेल मेंटेन मानना पड़ेगा, सभी को डीजल वगैरह मार के सब कुछ जो है क्लीन कर दिया गाड़ी, इस तरह से कुछ स्मूथ आपको फर्क लग रहा है, पहले से स्मूथ हो गया ना रिस्पॉन्स काफ़ी। पर थोड़ा सा रोड टेस्ट करके आते हैं, गाड़ी भगा के आते हैं, बाकी सब कुछ जो है वो सेट है। रात वात हो चुकी है, निकलने के लिए हम लोग रेडी है। इस तरह से भाई टर्न मारते यार, ये चेक करना है गियर रिवर्स में, मैंने पहले ही बोला था रिवर्स में जो है वो पहला प्रॉब्लम है, हार्ड जो है वो गियर लग रहा है मेरे को रिवर्स का, वो देखेंगे क्या भी हो। उसके लिए वो बोला था मेरे को मेरा डीलर कि उसके लिए अलग से गाड़ी डालनी पड़ेगी एक दो दिन के लिए पूरी की पूरी, क्योंकि क्लच प्लेट वगैरह सब कुछ वो निकलना होगा ना प्रॉपर। अभी थोड़ी टेस्टिंग करते हैं भाई कि कैसी है गाड़ी, थोड़ी स्मूथ हुई कि नहीं, सब कुछ समझ में आएगा। चलो बाकी जो है वो टोटल जो है वो बिल पेमेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है डन, जॉब कार्ड बन चुका है, एग्जैक्टली कितना जो है वो बिल हुआ है वगैरह सब कुछ एस्टिमेट होना है, वो सब जो है वो ऑफिस में जाके फाइंड आउट करेंगे। और मैंने जो बोला था ब्लॉग में कितना एग्जैक्टली जो है वो बिल बनता है एग्जैक्टली माइनर सर्विस के लिए, पूरी जो है वो आपकी माइनर सर्विस हो रखी थी, एग्जैक्टली माइनर सर्विस का बिल कितना बनता है वो एग्जैक्टली बताता हूँ। अभी प्रॉपर जो मेरा जो है, मैंने पहले बताया पूरा डैमेज है, वो एक्सीडेंटल डैमेज हो चुका था पहले, वो क्या है वो सब कुछ जो है हम बाद में समझा दूंगा। उसके लिए अलग से गाड़ी चार आठ दिन के लिए लानी पड़ेगी, इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा, ये सब कुछ काम जो अपने हमें एक्चुअली टाइम नहीं था, हमें गाड़ी भी चाहिए थी, तो गाड़ी हमें कल चाहिए थी, इसलिए माइनर सी जो है वो टाइम तो बहुत लगा गाड़ी के लिए, चेक भी किए ब्रेक शू वगैरह कैलिपर वगैरह सब कुछ जितना बोला था मैंने, क्या रिक्वायरीज बोले थे सब कुछ, गियर को छोड़ के सब कुछ किया, गाड़ी तो बाकी स्मूथ हो गया, हैंडलिंग परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी स्मूथ होगी। तो चलो डायरेक्टली मिलते हैं ऑफिस में, जो बिल बन चुका है मारुति सुजुकी का, एग्जैक्टली कितना बिल बना है बताओ भाई, एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है? बल चेंज हुआ है, व्हील बैलेंसिंग वेट है 39, 43, 96, मैंने चार डोर का ब्लैक डाले है ब्लैक कलर के, 15 रुपीज़, ग्लास को स्प्रे मारा है ऑल ग्लास 161 रुपये, ऑल स्टड ग्रीसिंग किया है 16 स्टड रहते हैं उसको, पूरा ग्रीस लगाया है कितना है 173 ग्रीस, मतलब कैसा है 16 स्टड रहती है, एक ट्यूब आती है ऊपर लगाना, 27 रुपये कौन से? वो कैलिबर ग्रीस है, ब्रेक आ गया है कैलिबर, उसको ग्रीस लगाना जो है जेन्युइन किया है, अलग और स्क्रीन वॉश है वो जो शैम्पू है अपना उसका, तो तीन जनरल चेकअप है, व्हील अलाइनमेंट किया है, नाइट्रोजन गियर टॉप अप, ऑल ब्रेक सेटिंग, लैपटॉप स्कैनिंग और व्हील, लैपटॉप स्कैनिंग के भी लेते 450 तो ठीक है, बाहर उससे भी ज्यादा लेते कम है, अपना सुजुकी है जेन्युइन है। अभी एक बात बताओ, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग ठीक था पहले से ही कि चेंज किया है? चेंज किया है, मतलब डिफरेंस था, थोड़ा सा माइनर ही क्या माइनर उसमें दिखा है, ठीक है लगा इतनी बिल कितना ये बनाया 3,475 रुपये देने पड़ेंगे, और ये पार्ट का कम क्या वगैरह माइनस पहले देखो, क्योंकि माइनर माइनर जो सर्विस थी, तो फाइनली जो है वो सर्विस बन चुकी है, बिल बन चुका है, तो यहाँ पे एस्टिमेट करना है और बिल बनाना है। तो चलो इस ब्लॉग के यहीं पे एंड करते हैं, तो फाइनली बिल जो है मैंने दिखा दिया 3,475 रुपये जो है वो लेबर वगैरह सब कुछ ऐड करके माइनर बिल बना एग्जैक्टली वगैरह, मतलब ठीक है उसके हिसाब से, अगर ब्रेक शू वगैरह कैलिपर वगैरह चेंज करते हो तो। अभी मेजर जो है वो बाद में मैं कभी दे दूंगा, तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो मैं जरूर 7 को वीडियो देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।